हम बात कर रहे हैं शोभा डेवलपर्स की, सितंबर में जो बिक्री है वो लगभग 20% बढ़ी है। आज कुछ ब्रोकर हाउसेज ने 605 तक के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन स्टॉक आज थोड़ा सा मूड जो है इसका वो सुस्ती का है। लेकिन कंपनी के आगे की योजनाएं क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। शोभा डेवलपर्स के वीसी और एमडी जेसी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, जो सितंबर के आपके बिक्री के आंकड़े आए हैं वो काफी मजबूत रहे हैं, 18% के आसपास की ग्रोथ आपने दर्ज की है। लेकिन एक चीज और देखी गई कि जो रियलाइजेशन है वहां पर गिरावट आई है, तो एग्जैक्टली बताइए कि रियलाइजेशन गिरने के पीछे की वजह क्या रही, और क्या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, इस वजह से आपके रियलाइजेशन कम रहे हैं? जहाँ तक वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि हमारे बिजनेस में काफ़ी क्रिटिकल है, हम क्वार्टर वन क्वार्टर पिछले कुछ सालों से, जबकि हमारा सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहा है, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड कि किसी तरीके से जो है ये कोर हमारी स्ट्रेंथ है, इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहे, और वो आपने इस क्वार्टर में भी देखा जब हमने 5 साल बाद में पहली बार 1.031 मिलियन स्क्वायर फीट की नई सेल करी। जहाँ तक रियलाइजेशन का बात है, मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो है कोई प्राइस कम करके कम नहीं हुआ है, ये एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने से हुआ है। हमने मैसूर में काफ़ी अच्छा किया है, हमने बेंगलोर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है, और वहाँ पर जो है हमारे प्राइस रियलाइजेशन पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं, जिसका इम्पेक्ट ओवरऑल रियलाइजेशन के अंदर में फ़र्क आया है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स जो है लग्जरी सेगमेंट्स में जाएंगे, और उस वजह से, और चूंकि अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर में सेल्स की वेलोसिटी अदरवाइज ज़्यादा है, तो हम मानते हैं कि जो रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होएगा बट वो थोड़ा धीरे धीरे होएगा। वॉल्यूम की ग्रोथ जो है वो बनी रहनी चाहिए, और आने वाले क्वार्टर्स में वही जो है हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट जो है एक ग्रोथ ड्राइवर लेके आती है, ऐसा मेरा मानना है। जी मिस्टर शर्मा, फिर एक चीज बताइए, पहला तो ये कि आगे रियलाइजेशंस को लेकर आपका आउटलुक क्या है, और दूसरी बात ये क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो अगले 1 से 1.5 साल का अगर आउटलुक लेना चाहें तो आपका रुझान किस तरफ रहेगा, कितने रेवेन्यूज आपको लग्जरी प्रोजेक्ट से आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, और कितने रेवेन्यूज आपको अफोर्डेबल सेगमेंट से आ सकते हैं? हमारा मानना है कि ओवरऑल जो अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली 75% से अधिक हमारी जो नई सेल है वो लग्जरी सेगमेंट में हो रही है, हमारा रियलाइजेशन अभी भी जो है एवरेज पर स्क्वायर फीट 7,000 रुपये से अधिक है। चूंकि हमारा अपना शेयर और साथ साथ में पिछले 3 साल पहले अफोर्डेबल कुछ भी नहीं था, और अब धीरे धीरे हर जगह पे अफोर्डेबल जो है उसका पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन में थोड़ी बहुत कमी दिखने को मिली है। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में जब आप 19-20 की बात करते हैं तो अफोर्डेबल जो है हमें वॉल्यूम ग्रोथ देगा, साथ साथ में प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है हमने जो पिछले क्वार्टर में अचीव किया, ये हमारा मानना है कि ये एक रॉक बॉटम है, अब यहाँ से जो है हमारा प्राइस रियलाइजेशन सिर्फ इम्प्रूव हो सकता है, और आने वाले क्वार्टर के अंदर में आप क्रमशः है वॉल्यूम ग्रोथ के साथ में प्राइस रियलाइजेशन की ग्रोथ भी जो है आप देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी मिस्टर शर्मा, भारत में हालांकि जो आपकी प्रेजेंस है वो साउथ रीजन में ज्यादा है, और आपके प्रोजेक्ट्स थ्रीसुर में है जो कि केरला में है, कोयम्बटूर में है, बेंगलुरु में है, तो एक चीज बताइए, अगर स्पेशली थ्रीसुर मार्केट की बात करें या फिर कोची मार्केट की बात करें जो कि केरला रीजन में आते हैं, वहां पर जो बाढ़ आई थी उसका कुछ इम्पैक्ट दिखा है डिमांड पर, प्राइसिंग पर, क्या कीमतें घटी हैं, क्या क्या सिनेरियो रहा है ओवरऑल मार्केट पर? देखिए, हमने पिछले क्वार्टर के अंदर में केरला मार्केट के अंदर में 1 लाख स्क्वायर फीट से अधिक हमारी 3 सिटीज कोचीन, त्रिचूर और कालीकट में बेचा। पिछले 2 महीने के अंदर में अगस्त और सितंबर में हमारी जो सेल है काफ़ी हद तक फ्लड और बरसात की वजह से इम्पेक्ट हुई, और अभी भी जो है केरला के कस्टमर्स दे आर रिकवरिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ अ शॉक व्हाट दे गॉट बिकॉज ऑफ द फ्लड। तो ये क्वार्टर भी जो है डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने साल के शुरुआत के अंदर में जो एक्सपेक्टेशन अपने लिए सेट करी थी उसके मुताबिक नहीं जाएगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली ये क्वार्टर जो है बेहतर रहेगा,
और हमारे हिसाब से वर्स्ट इज ऑलवेज बिहाइंड अस, ऑलरेडी बिहाइंड अस। जहाँ तक रियलाइजेशन की बात है, हमने कुछ भी कमी नहीं रखी है प्राइस पर स्क्वायर फीट के अंदर में, और वो अभी तक बरकरार है। केरला मार्केट हमारे लिए सबसे अच्छा मार्केट है, हमारी वहाँ पे मार्केट लीडरशिप है। पिछले क्वार्टर में हमने 7-8% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो हम एक्स्ट्रा ला सकते थे वो हम एडवर्सली इम्पेक्ट हुए हैं, और इस क्वार्टर के अंदर में थोड़ा मेकअप करेंगे, और अगले क्वार्टर से हमारा मानना है कि वहाँ पे सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और हमारी सेल्स नंबर्स वापस नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि केरला आपके लिए बड़ा मार्केट है और तीन बड़े शहरों में आपकी प्रेजेंस है, थ्रिसूर, कालीकट और कोची। लेकिन ये बताइए, आगे का आउटलुक क्या है, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं क्या जो आप सेकेंड हाफ में इस वित्त वर्ष के लॉन्च करेंगे, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट जिन पर कामकाज चल रहा हो? सबसे अधिक प्रोजेक्ट्स हम जो है बेंगलोर में लॉन्च करेंगे, और इट विल बी फॉलोड विद न्यू लॉन्चेज इन चेन्नई, न्यू लॉन्चेज इन पुणे, न्यू लॉन्चेज इवन इन केरला, इन कोचीन एज वेल एज इन त्रिचूर। एंड इन सब का जो मिला जुला जो ओवरऑल स्क्वायर फीटेज के अंदर में जो बात आती है, 9 से 10 मिलियन स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में, न्यू लॉन्चेज इन गिफ्ट सिटी अहमदाबाद आल्सो, तो 9 से 10 मिलियन स्क्वायर फीट के हमारे प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च होंगे, और हमें विश्वास है कि उससे सेकेंड क्वार्टर और आने वाला साल जो है उसके अंदर में जो ग्रोथ मोमेंटम हम जो पिछले 2-3 साल से दिखा रहे हैं वो हम सस्टेन कर पाएंगे। जी, एक चीज़ और बताइए मिस्टर शर्मा, हाल फिलहाल में जो पैसे की कमी का मुद्दा है वो काफ़ी उभरा है, स्पेशली जब हम वित्तीय संस्थानों की बात करते हैं, तो ऐसे मौजूदा सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि दिक्कतें हो सकती हैं लोन्स लेने में आपके बायर्स को, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या सिनेरियो अभी लग रहा है जो लिक्विडिटी के कंसर्न्स अभी इमर्ज हुए हैं? जहां तक शोभा की बात आती है, अभी भी जो है हमें जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ में पहले जो लोन अवेलेबिलिटी थी, आज भी उन इंस्टीट्यूशन के साथ में हम बात कर रहे हैं और हमें कंटिन्यूसली लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में। जो कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स हम जो लॉन्च कर रहे हैं और जो हमने लॉन्च किए हैं उसके लिए अभी भी हमको जो है फंडिंग मिल पा रही है अच्छी रेट्स के अंदर में। हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो है एडवर्सली इम्पेक्ट नहीं हुई है अभी तक। पिछले क्वार्टर के अंदर में भी हमने जो है थोड़ा सा मामूली सा सुधार दिखाया है, और इस क्वार्टर के अंदर में भी हम चेष्टा करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स नहीं बढ़े करके। तो हम आश्वस्त हैं जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक बात है, पिछले 2-3 सालों के अंदर में NBFC का मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा था, डेवलपर्स को भी और कस्टमर्स को भी। तो जहाँ तक कस्टमर्स को फंडिंग की बात है, थोड़ा सा 15-20 बेसिस पॉइंट कॉस्ट ऑफ फंडिंग जरूर बढ़ी है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू द रिटेल कस्टमर जो है उसमें कभी भी जो अभी तक मेरे को समझ में नहीं कि कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आएगी कर है। अभी भी फोकस वहाँ पे जारी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी जो है उनको फंडिंग दे रही है। लेकिन जहाँ तक डेवलपर्स फंडिंग की बात है, मेरा मानना है कि नई फंडिंग डेवलपर्स फ्रेटर्निटी के अंदर में एनबीएफसी के द्वारा आने वाले समय में डिफ़िकल्ट रहेगी, और ये एक तरीके से वीकर प्लेयर्स को जो है एक इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देगी कि वो खुद उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, कि अच्छे डेवलपर्स के साथ में मिलके काम करें। तो एक तरीके से जो है ये कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है, ये पिछले जो 2-3 सप्ताह में जो NBFC की फंडिंग में जो चैलेंजेज, जो लिक्विडिटी में जो हम देख रहे हैं इश्यूज, उस वजह से जो है एक कंसोलिडेशन का प्रोसेस फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिख रहा है, जो कि हमारे जैसी कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे, इस वित्त वर्ष के लिए आपके रियलाइजेशन या फिर आपकी बिक्री को लेकर टारगेट्स क्या हैं? देखिए, हम तो गाइडेंस देना बंद कर दिए पिछले 2 साल से, लेकिन अगर आप खाली फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमने 20% पिछले साल के मुकाबले हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और 10 तारीख के बाद से जो है जब ये श्राद्ध मास खत्म होता है हमारे देश के अंदर में, तो एक हाउसिंग की सेल जो है सेकेंड हाफ के अंदर में नॉर्मली अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ में वी आर आल्सो लिविंग इन एन अनसर्टेन इन्वायरमेंट,
तो उससे क्या इफेक्ट आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा मानना है कि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम हमने पिछले 2-3 साल से जो मेंटेन करके रखा है, और चूंकि इस हाफ के अंदर में हमारे नए प्रोडक्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चेज काफ़ी अधिक होने की संभावनाएं हैं, उन दोनों की वजह से सेकेंड हाफ शुड बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, ऐसी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और वो जो है जैसे जैसे क्वार्टर्स ख़त्म होएगा डाटा आपके साथ में शेयर करेंगे, हम आश्वस्त हैं कि हम मार्केट शेयर भी गेन करेंगे और वॉल्यूम ग्रोथ का मोमेंटम भी जो है हम बनाए रखेंगे। शुक्रिया मिस्टर शर्मा, आपका समय दिया आपने जी बिजनेस को और आगे की योजनाओं के बारे में इलैबोरेट किया। स्टॉक हालांकि दोपहर से नीचे भी कर रहा है कारोबार 390 के लेवल्स पर।